हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी दिन का वक्त हो रहा है और विहान जो है अभी सो रहा है। तो जब वो सो जाता है तब मैं अपने फालतू काम करती हूँ जो कि उसके उठने या जगने के टाइम पर मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर करने नहीं देते हैं काम। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिलाई मशीन चलाने, क्योंकि मुझे ना एक सूट जो है अपना ऑल्टर करना है। ऑल्टर क्या मतलब, उसकी थोड़ी सी फिटिंग करनी है, वो काफ़ी लूज़ हो गया है। तो जब विहान जगा रहता है ना तो वो मशीन का तार वगैरह हमेशा छूता रहता है। तो जब वो सो जाता है तभी मैं ये सब काम करती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ अपना सूट ऑल्टर करने। तो ये जो मेरी मशीन है ना, ये इलेक्ट्रिक वाली मशीन है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिए हुए, 2-3 महीने हुए होंगे। तो पहले ना मेरे पास मशीन नहीं थी और मशीन के बिना ना बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, कोई भी चीज़ फट जाती थी या ऑल्टर करवाना होता था। तो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेलर के पास भी जाओ ना तो वो लोग करते नहीं और पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन ही ले लेते हैं, तो मैं खुद से ही ऑल्टर वगैरह कर लूँगी। तो बस यहाँ विहान जो है अपने डैडी के साथ ऊपर छत पर बॉल खेलने जा रहा है। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, मतलब 4 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पर देखिए इसकी बॉल जो है ना नीचे वाले मतलब बगल वाली बिल्डिंग पर चली गई है। तो ये बस बॉल को निकाल रहे हैं। तो बस विहान को अपनी बॉल मिल गई, विहान इज हैप्पी। और विहान ने अब साइकिल चलाना शुरू कर दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बस मैं अभी अभी जस्ट मार्केट से आ रही हूँ, थोड़ी बहुत सामान लेना था मुझे, सब्जियाँ वगैरह लेनी थी और जनरल स्टोर से भी सामान लेना था। तो बस मैं वही लेकर के आ रही हूँ। और ये 3-4 दिन से वेज बिरयानी खाने को कह रहे थे वेज बिरयानी बनाओ, मन हो रहा है खाने का। तो मैंने सोचा फाइनली आज बना ही देती हूँ। तो बस मैं उसी का सामान लेने गई थी और ना मुझे आने में भी लेट हो गया है, 7:15 हो गया मुझे आते आते। मतलब मार्केट वगैरह जाओ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल जाता है। मन करता है ये भी सामान ले लें, वो भी सामान ले लें, ये भी ज़रूरत का है। और बस मैं जा रही हूँ किचन में सब्जियाँ वगैरह कट करने, फिर वेज बिरयानी बना दी। तो यहाँ पर मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है। जब कुकर गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे। प्याज को आपको लंबा और बारीक काटना है। इसको हमको गोल्डन ब्राउन कर लेना है हाई फ्लेम पर। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब आप प्याज को निकाल लीजिए। इस प्याज को हम बिरयानी की लेयरिंग में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 4 लौंग ली हैं, 4 से 5 मैंने काली मिर्च लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है और 3 इलायची ली है। और इसमें मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डालूंगी। इन खड़े मसालों को आपको हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। इसको भी लंबा बारीक काटना है। तो आपको बिरयानी में टोटल 4 प्याज लेने हैं, 2 पहले फ्राई करके निकाल लेना है और इसको हम सब्जियों के लिए यूज करेंगे। फिर हम इसमें 2 हरा मिर्चा डालेंगे, लंबा बारीक मैंने काट लिया है उसको। और फिर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का सा ये भुन जाए। फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर गोभी लिया है, गोभी को थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा ही काटा है,
जिससे कि बिरयानी बनने के बाद गोभी दिखे उसमें, नहीं तो सब्जियां दिखती नहीं है। और मैंने थोड़े से गाजर लिए है, गाजर को भी मैंने लंबा बारीक काटा है। और एक आलू मैंने इसमें डाला है, आलू को भी बड़ा बड़ा ही कट किया है। अगर हम छोटे साइज़ में कट करके डालेंगे तो फिर ये बिरयानी में दिखता नहीं है। और मैंने थोड़े से पनीर डाले हैं। जब सब्जी थोड़ी सी पक जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला है, आधे चम्मच से कम लाल पिसा मिर्चा डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे और आधे चम्मच से कम मैंने गरम मसाला डाला है और एक चम्मच नमक डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी में, थोड़ी देर तक पकने देंगे। और मैंने एक बाउल मटर भी इसमें डाला है। तो देखिए मेरी सब्जियां और मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि इसमें हमें दही डालना है। अगर हम गर्म सब्जी में दही डाल देंगे तो दही जो है फट जाती है। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी गर्म दूध लिया है, इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। बिरयानी में केसर वाला दूध डालने से बिरयानी का कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है और फूड कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ मैंने एक गिलास बासमती चावल लिया है। बासमती चावल को आप धो लेंगे अच्छे से 2-3 बार। आपको चावल बहुत पहले से नहीं धो करके रखना है, जब सब्जियाँ आपकी रेडी हो जाए तभी आपको चावल को धो करके रखना है, यानी 2-3 मिनट पहले। अगर आप बहुत पहले से चावल को भिगो करके रख देंगे तो बिरयानी के चावल आपके ज़्यादा गल सकते हैं या फिर चिपचिपी सी बिरयानी बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने चावल को वॉश करके रख दिया है और आधा कटोरी यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही को पहले से ही मैंने फेंट लिया था। अब हम दही को इस सब्जी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। और गैस के फ्लेम को ऑन करने के बाद 1 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि दही जो है अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही जो है सब्जी में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो आपको बिरयानी में 1.5 गिलास पानी डालना है। तो यही रेशियो आपको रखना है। लेयरिंग करेंगे तो मैंने 1 गिलास पानी जो है डाल दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो ये दम लगा के बिरयानी बनती है। और फिर हम इसमें फ्राइड अनियन डालेंगे, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में प्याज को फ्राई किया था उसी को डालेंगे हम। स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से और फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से ना चावल जो है खिले खिले से बनते हैं और अलग अलग रहता है। और फिर केसर वाला दूध थोड़ा सा डाल देंगे और बाकी बचा हुआ दूध हम फिर से डालेंगे बाद में। अब हम चावल को इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से चारों तरफ। आपको सभी चीज़ों को चारों तरफ फैला फैला कर डालना है जिससे कि सभी चीज़ें बराबर तरह से कुक हों। और जब आप लेयरिंग कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें, नहीं तो मसाले और सब्जी जो है ओवर कुक हो सकता है। तो जब आप लेयरिंग करें तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और फिर इसको करें। तो मैंने चावल को डालने के बाद अब हम इसमें धनिया फिर से डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना पत्ता है तो पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। फिर से फ्राइड अनियन डालेंगे और अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से बिरयानी अच्छी बनती है। और फिर बचा हुआ केसर दूध भी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा नमक भी हम स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ अच्छे से और आधा गिलास पानी डाल देंगे।
तो एक गिलास मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था लेयरिंग करते वक्त और आधा गिलास बाद में डालेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, तो अब हम कुकर को बंद कर देंगे। और हाई फ्लेम पर दो विसल लगाएंगे और फिर प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद ही आपको कुकर को खोलना है। तो दो विसल लग चुकी हैं। अब जब इसका प्रेशर अच्छे से निकल जाएगा तब हम कुकर को ओपन करेंगे। तो ये देखिए मेरी बिरयानी जो है अब रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बिरयानी के जो चावल हैं कितने खिले खिले से बने हैं, बिल्कुल अलग अलग से हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, मन हो रहा है खाने का। बिरयानी देख के तो मुंह में पानी ही आ गया है, बस मन कर रहा है जल्दी से खा लें। तो अब बस अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, आज बिरयानी की दावत है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी का जो कलर है कितना सुंदर लग रहा है देखने में, मैंने कोई भी फूड कलर इसमें नहीं यूज़ किया है। तो विहान को अपने हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं इनसे पूछ रही हूँ कि बिरयानी जो है कैसा बना है, जल्दी से बताइए खा के। तो बस हम लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, फिर मैं आपसे डिनर के बाद मिलती हूँ। तो बस खाना पीना हो चुका है और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। और वेज बिरयानी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और पानी नमक मसाले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छा, जब हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं और वो फर्स्ट टाइम में ही अच्छी बन जाती है, बिल्कुल परफेक्ट बनती, तो बहुत ही खुशी होती है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या टेस्ट कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था जैसा कि होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगता है ना कि मैंने ये चीज़ बनाया और बिल्कुल सही बना, और साहब को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।